नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। चिड़ावा शहर में इस समय चल रही है पीने के पानी की किल्लत। कहीं बदबूदार पानी तो कहीं गंदा पानी आ रहा है, और कुछ वार्डों में तो पीने का पानी 2 या 3 दिन से आता है। इसी समस्या को लेकर हमने कवरेज की। वार्ड नंबर 20, 15, 16, 9, 13 जोशों की बगीची पर वार्डवासियों की शिकायतें आ रही थी। कवरेज के बाद ही चिड़ावा नगरपालिका हरकत में आई और पार्षदों की तरफ से SDM संदीप चौधरी को ज्ञापन दिया गया और समस्या का समाधान जल्द ही ना होने पर आंदोलन करने को कहा गया। इधर पालिका अध्यक्ष भी नगरपालिका की पूरी टीम लेकर मौके पर पहुंची और जयन कमल यादव को भी मौके पर बुलाया गया। शिविर लाइन भी रुकी हुई थी, चैम्बर ओवरफ्लो होने के कारण गंदा पानी रोड पर आने लगा। वहीं शिविर लाइन में पानी की पाइप टूटने से लोगों के घरों में गंदा पानी जाने लगा। खैर, मौके पर पालिका अध्यक्ष ने समस्या के समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए और कार्य चालू करवाया। धन्यवाद करते हैं सुमित्रा सैनी का और आशा करते हैं कि वार्डवासियों की समस्या पर ध्यान दिया जाएगा। वार्डवासियों ने बिजली पोल संबंधित समस्या भी बताई। जिस तरह से यह पोल खड़े हैं, ऐसा लगता है कि कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। इधर 5-6 रोज पहले ही पालिका अध्यक्ष व EO जुबेर खान ने शहर के नालों का जायजा लिया और वार्ड नंबर 21 में भी जल भराव की जो समस्या थी उसका भी समाधान किया गया। वाल्मीकि बस्ती में जनाना तार्त में एक जनरेटर लगाया गया। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि मानसून के आने से पहले ही हम जल भराव की समस्या से लड़ने को तैयार हैं। आइए सुनते हैं वार्ड नंबर 20 के वार्डवासियों की क्या समस्याएं हैं। आगे देखिए पार्षद प्रतिनिधि अभिषेक पारिक ने क्या कहा। आपका वार्ड कौन सा है? हमारा वार्ड नंबर 20 है। और नाम क्या है आपका? मेरा मोहन मुरारी शर्मा। आपके वार्ड में क्या समस्या है? हमारे वार्ड में पानी की गंभीर समस्या है। 15 से 20 मिनट मुश्किल से पानी आता है और वो भी पावर कट हो जाता है तो वो भी रह जाता है। तो पानी आता है? हाँ, कम आता है, बहुत कम आता है। 15 मिनट से 20 मिनट के बीच में पानी आता है। तो अभी जो सिविल लाइन का और वाटर वर्क्स वालों ने काम किया है, अभी जो पाइप ब्रेकेज हो रही है, टूट रही है पाइप, उसमें तो दूषित पानी आ रहा था, अब ये दुरुस्त हो जाएगा तो साफ आने लग जाएगा। तो अभी शिविर की और क्या समस्या है? शिविर की ये है कि शिविर का पानी आगे नहीं जाता है, लाइनें ब्लॉक पड़ी है शिविरेज की। तो ये लाइनें सही नहीं डाली गई या क्या? ये लाइनें सही नहीं डाली गई और चैम्बर के इनके लेवल नहीं है सही भी, कहीं भी चैम्बर ओवरफ्लो हो रहे हैं काफ़ी जगह। तो आपने समस्या से अवगत करवाया क्या जयन साहब को? जयन साहब को करवाया, जलदाय विभाग में भी काफ़ी बार करवाया, ऑनलाइन भी करवाया। इसके अलावा और क्या समस्या आपके वार्ड में? पानी की पानी समस्या क्या? यहाँ पे सार्वजनिक कुआ है? नया नहीं है, सार्वजनिक कुआ नहीं है। तो सार्वजनिक ट्यूबवेल हो जाए तो काफ़ी आराम मिल जाए, मतलब आपको ट्यूबवेल हो जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाए। हाँ, कितने वार्ड और लगते हैं इस वार्ड में? इस वार्ड में 4 वार्ड लगते हैं यहाँ से। कौन कौन से? वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 9। प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि पानी की व्यवस्था ट्यूबवेल हो जाए तो पानी की व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। क्या आपको ट्यूबवेल की कमी लगती है आपके वार्ड में? हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा कमी लगती है, पानी आता ही नहीं है। पानी दो तीन दिन तो नहाए बगैर रह जाते हैं, पानी आता ही नहीं, आ ही नहीं रहा है कभी 3 मिनट 5। आपका कौन सा वार्ड है? 15 नंबर। तो क्या पानी की समस्या है क्या आपके वार्ड में? बहुत ज़्यादा समस्या है सर, बहुत ज़्यादा। कौन सा मोहल्ला है ये आपका? हमारा जोशियों का मोहल्ला है। जोशियों का मोहल्ला है। तो आप क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन से? क्या प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि पानी की जो ये 15 मिनट पानी डालते हैं ना, हाँ हाँ, वो अगर घंटा भर हो जाए तो समस्या दूर हो जाए। वो तो नहीं होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। चलो भाई, ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ पे ट्यूबवेल हो जाए तो समस्या का निवारण हो सकता है जी, हमारा तो कहना यही। आप वार्ड नंबर 16 के पार्षद हैं? 16 के पार्षद प्रतिनिधि हम जी। तो क्या समस्या आपके वार्ड में? समस्या ये थी कि 4-5 दिन से शिकायत आई थी, जिसका आज हमने चेयरमैन साहब को मौके पर बुलाकर, जयन साहब को बुलाकर इसको तो निवारण वो करवा दिया गया है। अभी कुछ देर बाद वाटर वालों को बुला के ये पानी की जो लाइन में जो गंदा पानी आ रहा है इसकी समस्या का समाधान कर दें। पानी की जो समस्या बता रहे हैं आपके जो वार्डवासी हैं कि ट्यूबवेल हो जाए तो यहाँ पर बहुत अच्छा हो हमारे लिए, ट्यूबवेल नहीं है आसपास में, ट्यूबवेल पर क्या कहना चाहेंगे आप? ट्यूबवेल की मांग है इनकी, मैं इनके लिए चेयरमैन साहब से इनसे बात करेंगे। अभी यहाँ ये 4 वार्डों के बीच की जगह है और यहाँ ट्यूबवेल होने का मतलब है चारों वार्डों को पानी एक साथ मिलना। बिल्कुल। तो मैं चेयरमैन से जो है अभी ये मांग करूँगा कि जल्द से जल्द यहाँ
ट्यूबवेल फ्लो कराएं और जिससे चारों वार्डों को पानी मिल सके जी।